Hello children, again as I told you that we will cover the next topic and that is based on tenses. So students, here we are going to talk about two tenses, simple present yani present indefinite and present continuous. Yani dono hi jo hum baat karenge tenses ki wo present ke do types hain, yani jo vartaman hai uske do types hain, ek इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट है, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन वन ऑफ द वीडियोज, इवन टू ऑफ द वीडियोज. सो लेट्स सी द फर्स्ट. इसमें करना क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर यू हैव टू चेंज दिस वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. जैसा जैसा सेंटेंस है उसके हिसाब से हमें बदलाव लाने हैं, ठीक है. सो यहाँ पर लिखा आई आई फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग. सो चिल्ड्रेन, लेट मी टेल यू वन थिंग, प्रेजेंट इनडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट की सबसे बड़ी पहचान होती है कि अगर हमने वाक्य में कुछ वर्ड्स देख लिए, हिंदी में तो आसान है, ता है, ती है, ते है, आता है, ठीक है, बट इंग्लिश में इफ़ यू सी सम वर्ड्स और उनसे आप आराम से पता कर लोगे कि हाँ दिस इज प्रेजेंट इनडेफिनिट. हाउ? एवरी, ठीक है. अगर एवरी आ गया इट मीन्स ये अभी यानी हर रोज़ का काम है, यानी डेली का काम है, और डेली का काम मतलब सिंपल प्रेजेंट. एंड डेली, ठीक. सो ये भी डेली जो वर्ड है, दिस इज़ आल्सो शोइंग कि हाँ ये डेली का काम है, ठीक है. सो अगर पर्टिकुलर किसी डे की बात हो रही है, बीते हुए दिन की बात हो रही, तो उसमें लास्ट यूज़ होगा या फिर लास्ट नाइट यूज़ होगा या पास्ट डे यूज़ होगा, प्रीवियस डे यूज़ होगा, ठीक. बट अगर डेली की बात हो रही है या फिर वो काम जो डेली होता है उसकी बात हो रही है, तो उसमें आपके एवरी, डेली, नाउ डेज, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यूज़ होते हुए सेंटेंसेस में, वाक्य में, ठीक है. सो अगर इफ़ आई आस्क यू विच सेंटेंस इज़ इट, द फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, देन ईज़िली यू कैन रिकग्नाइज सीइंग दिस एवरी, हर रोज़ ये काम होता है, यानी आई. अब आई के साथ हम क्या लगाएंगे, गो. क्यों गो लगाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था प्लूरल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट में, और जो आई है वो क्या है, प्लूरल है. तो आई के साथ हम गो लगाएंगे, गोज नहीं लगाएंगे. सो आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, इट इज़ अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग, द सन. अब ये जो आज की सुबह है बहुत अच्छी है, या मॉर्निंग हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि द सन, सन एक है, एक ही सन हमारे ब्रह्मांड में है, यूनिवर्स में है. तो सन क्या है, शाइन करता है, चमकता है, और सिंगुलर यानी एक है, सिंगल है, तो उसके साथ हम क्रिया में एस या ईएस लगाएंगे. और मैंने ये भी बताया था कहाँ ईएस लगेगा, कहाँ एस लगेगा, तो यहाँ पर हम एस लगा देंगे, हो जाएगा द सन शाइन्स इन द स्काई. देन वी, अब अगेन सी, वी डैश माई कजिन आउटसाइड द सिनेमा एट 6:30. अब चिल्ड्रन, हियर आई टोल्ड यू दैट वी हैव टू चेंज, वी हैव टू सी और कंप्लीट द सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस में है. बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि